पर ग्रूव, मैं हूँ इस्खान अंसारी। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएसए हूँ और मैं करेंटली कनाडा में एक बिग फोर अकाउंटिंग फर्म में काम कर रही हूँ। अगर आप मेरे बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक इधर ड्रॉप कर रही हूँ और आप मेरी करियर हाईलाइट के लिए मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। मैंने चैनल इसलिए स्टार्ट किया ताकि मेरे सीए जर्नी में से मैं जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ वो मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर आपका फ्यूचर करियर काफ़ी डिपेंडेंट होता है और वो है आपकी इंडक्शन फॉर आर्टिकलशिप। आई नो आप में से काफ़ी लोग अभी कैफ के एग्जाम से फ्री हुए हैं और अब फर्म जो कंपनीज में इंडक्शन ओपन हो रही हैं, टाइम टू अप्लाई आ गया है। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स का बारे में जिक्र करेंगे जिनका आपने ध्यान रखना है व्हाइल यू आर अप्लाइंग एंड ऑल्सो इंटरव्यूइंग फॉर आर्टिकलशिप। इस वीडियो का कंटेंट फाइनलाइज करने से पहले मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन की है जिनका आई वुड लाइक रियली थैंक देम कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मेरे साथ शेयर किए। मैंने उनसे कहा कि वो अपने भी एक्सपीरियंस से जो इंडक्शन प्रोसेस था उसके एक्सपीरियंस से अपने कुछ चीज़ें शेयर करें जो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसलिए ये एक मिली जुली एक वीडियो पहुँची है अब तक जिसमें सबकी तरफ से कुछ पॉइंट्स गिवन है। तो आई होप आप सबको इससे बहुत सारी हेल्प होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये वीडियोस हेल्प कर सकती हैं। और अगर आप किसी सीए के स्टूडेंट सर्कल्स ग्रुप्स फेसबुक पे पार्ट हैं उन ग्रुप्स का तो ज़रूर ये वीडियोस उन ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। आज की नंबर वन टिप ये है कि ये सोच जहन से निकाल दें कि आपको कहीं इंडक्शन के लिए एक बहुत बड़े रेफरेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास इस तरह का कोई रेफरेंस है, अगर आप वो रूट यूज़ कर रहे हैं तो गुड फॉर यू, बट अगर आपके पास नहीं भी है तो ये सोच जहन से निकाल दें कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट्स बिकॉज आई एम 100% श्योर कि इवन इन दी बिग फोर फर्म्स जो कि काफ़ी लोग एक रूमर चलाते हैं कि वहाँ सिर्फ रेफरेंस पे इंडक्शन होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि वहाँ पे भी आपकी इंडक्शन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द इंडक्शन आर ऑन मेरिट बेसिस। एंड मेरे अपने केस में भी एग्जाम्पल है कि इन के पी एम जी आई गॉट इट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट द इंटरव्यूज एंड फर्गसन आई गॉट इट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन टेस्ट प्लस एन इंटरव्यू। एंड आई नो सो मेनी पीपल हु गॉट इन विदाउट एनी रेफरेंस एट ऑल। सो प्लीज़ ये सोच अपने जहन से निकाल दें क्योंकि वरना आप फर्स्ट स्टेप पर ही हार मान चुके होंगे। नंबर टू, इंडक्शन के प्रोसेस में अपना स्कोप लिमिट नहीं करें। सारी ऑप्शंस ओपन रखें जिसके अंदर आपके पास फर्म आर्टिकलशिप, इंडस्ट्री आर्टिकल्स, बिग फोर फर्म आर्टिकल्स, नॉन बिग फोर फर्म आर्टिकल्स, ये सारी ऑप्शंस ओपन रखें बिकॉज वाइज डिसीजन तभी लिया जाता है जब आप सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हों। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज कि ये सारी चीज़ें स्टेपिंग स्टोन्स होंगी। एक्चुअली अपनी वर्थ आप खुद बनाएंगे, अपनी स्ट्रगल से बनाएंगे। और इसकी एग्जाम्पल ये है कि देर आर सो मेनी पार्टनर्स टूडे इन बिग फोर फर्म्स जो कि एक्चुअली खुद बिग फोर फर्म से आर्टिकलशिप होल्डर्स नहीं थे बट आज वो बिग फोर फर्म के पार्टनर्स हैं। सो आपकी वर्थ आप खुद बनाते हैं, आपको किसी नाम से अटैच होने के लिए उसकी स्पेशल ज़रूरत नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है तो इसलिए तमाम ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, स्पेशली इंडस्ट्री आर्टिकलशिप। सिर्फ ये नहीं कि बाकी सब ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है, ये वाली सोच नहीं होनी चाहिए। नंबर थ्री टिप ये है कि आप सब जगह जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पूरे दिल से अप्लाई करें। अगर आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो पूरे दिल से उनके लिए प्रिपेयर करें और किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा ना समझें क्योंकि वो उस टाइम पे आपको मे बी छोटी लग रही हो बट इवेंचुअली उसका जो पे ऑफ है वो बहुत बड़ा हो सकता है। और ऐसे मेरी एक फ्रेंड से डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा है जिनके साथ एक्चुअली एग्जैक्टली यही हुआ था जब उन्होंने गैप के बाद गैप के बाद उन्होंने आर्टिकलशिप उनको मिली, एक जगह पर मिली, लोगों ने उनको डिस्करेज भी किया कि ये कोई ऐसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट ड्यू टू दैट वन अपॉर्चुनिटी आज वो पूरी दुनिया में उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसलिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा ना समझें। नंबर फोर, जब भी आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। अगर तो आप फुलफ़िल करते हैं दैट्स ग्रेट, आप उधर अप्लाई करें। अगर आप नहीं फुलफ़िल करते उनका क्राइटेरिया तो आप ये देख सकते हैं कि क्या वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन है या आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। अगर पेपर बेस्ड एप्लीकेशन का आपके पास एक स्कोप है आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो ज़रूर अपना रेज्यूमे ड्रॉप करें उस जगह पर
विद अ वेरी गुड कवर लेटर. उस कवर लेटर में आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि कैसे आप उस कंपनी या उस फर्म के लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रखा है या अदरवाइज आपको कोई एकेडमिक अचीवमेंट्स है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं अपनी कमिटमेंट शो करने के लिए, तो आप ज़रूर ड्रॉप करें अपनी CV, अपना कवर लेटर. दैट्स बिकॉज अप्लाई करने में कोई हार्म नहीं है एज लॉन्ग एज आप उसके अंदर अपना बेस्ट एफर्ट डाल रहे हैं. नंबर 5, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर आपने अप्लाई किया था कैट के रिजल्ट से आने से पहले, तो आप जब आपका कैट रिजल्ट आ जाता है और अगर तब तक आपको कोई कॉल नहीं आई है, तो आपने जिधर भी अप्लाई किया है उधर कॉल करके या कोई और जो भी उन्होंने आपको प्रोसीजर दिया है टू कॉन्टैक्ट HR, उस प्रोसीजर से आपने अपना रिजल्ट उनके पास अपडेट ज़रूर कराना है, क्योंकि कई दफ़ा फर्दर कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है और अगर आपका रिजल्ट उसमें अपडेटेड नहीं होगा तो मे बी आप उस क्राइटेरिया में ना फॉल कर रहे हो जिस क्राइटेरिया को वो देख रहे हैं. तो इसलिए अपना रिजल्ट ज़रूर अपडेट कराइए. नंबर 6, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो दैट इज ग्रेट. अब आपका काम है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, और इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप उस कंपनी में उस फर्म में किसी को जानते हैं तो उनसे ज़रूर कनेक्ट करके पूछें कि यूजली इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने मेंटली किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है. बट अदरवाइज आपने कोशिश करनी है कि आप अकाउंटिंग, ऑडिट, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्स, इनके जो है ना वो ओवरऑल स्किम कर लें अपना, जो भी आपने पढ़ा है अब तक उनको स्किम करने के अलावा आप थोड़े से जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं स्पेशली इन IFRS एक्सेट्रा, वो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस उसके ऊपर भी बेस्ड होते हैं. अगर आप इंटरव्यू देने के लिए कुछ डिटेल्ड टिप्स चाहते हैं कि किस तरह से आपने अपना कॉन्टैक्ट रखना है या किस तरह से आपने तैयारी करनी है या कैसे आपने जो है वो इंटरव्यू एक अच्छा सा इंटरव्यू देना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है. ये वीडियो में बात की मैंने तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. नंबर 7, इस सारे प्रोसेस में आप लिंक्डइन को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप उसको एक्चुअली सही तरीके से यूज़ करें. तो अगर आप इस पे भी मेरी टिप्स चाहते हैं अबाउट हाउ टू यूज़ लिंक्डइन फॉर यू नो दिस सच थिंग्स, तो प्लीज़ लेट मी नो. मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ. लास्टली, आपने कभी भी होप नहीं लूज़ करनी, आपने गैप से भी घबराना नहीं है. Things happen when they're meant to happen. शर्त यह है कि आपके efforts पूरे sincere होने चाहिए, पूरे जितने आप लगा सकते हैं उतने होने चाहिए. अगर वो से हैं तो आपको कभी भी कोई जिंदगी में regret नहीं होगा. मिलते हैं next video में. Till then, खुदा हाफिज़ and good luck.